हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलिंदर का टेक। आज मैं डिफरेंट टाइप्स के एंड्रॉइड प्लेयर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपके गार्ड्स के अंदर में एंड्रॉइड प्लेयर स्लो वर्क कर रहा है, हैंगिंग प्रॉब्लम कर रहा है, सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और प्लीज़ मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा जो कि आपके काम आएगा। आज मैं फिर एंड्रॉइड के साथ आया हूँ आपके पास, और ये मैं नया एंड्रॉइड लेकर आया हूँ, सिस्टम TS7। और इसके अंदर हम कैसे इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, और फॉर्मेट करने के बाद इस वाले मॉडल्स में क्या होता है कि ये भी लेटेस्ट न्यू जनरेशन के सेट्स हैं, इनके अंदर क्या होता है कि हम इसको फॉर्मेट करते हैं तो इसके अंदर हमारे जो ऐप्स दिए होते हैं, जितने भी हमारे इसके अंदर ऐप्स होते हैं, वो मोस्टली इसमें कई ऐप्स जैसे यूट्यूब, गूगल मैप, ईजी कनेक्शन, ये सब ऐप्स जो होते हैं हमारे अनइंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे दोबारा से, तो वो अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट के पासवर्ड बताऊंगा कि फॉर्मेट कैसे करना है सिस्टम। अगर आपका सिस्टम स्लो कर रहा हो, हैंग लैगिंग प्रॉब्लम कर रहा हो, या कोई ऐप्स वर्क सही ढंग से वर्क ना कर रहा हो, ठीक है, और मैं आपको इस मीडिया में दिखाता हूँ। देखिए, मेन्यू वाले ऑप्शन में टच करेंगे, सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसमें एक हमारे को ऑप्शन दिया होगा मोर, मोर पर क्लिक करेंगे, मोर में हमारा लास्ट में आएगा कार सेटिंग, कार सेटिंग पर क्लिक करेंगे, कार सेटिंग में हमारा एक ऑप्शन आएगा रीसेट फैक्ट्री, रीसेट फैक्ट्री पे क्लिक करेंगे और इसमें हम पासवर्ड डालेंगे 7890। ठीक है, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। अब हमारा सिस्टम होगा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट होने के बाद क्या होगा, अब इसमें बहुत सारे ऐप्स जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। ये मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसको हम एग्री करेंगे, यस करेंगे, और इसमें थीम्स की जो है ना उसकी फाइल्स हैं उन सबको अलाउ करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐप्स वाले बटन पर टच करेंगे इसका। अब ये देखिए, इसके अंदर में जो है यूट्यूब का एक ऐप अनइंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इजी कनेक्शंस का एक ऐप इंस्टॉल हो चुका है इसके अंदर में, और गूगल मैप का भी आपका इसमें ऐप अनइंस्टॉल हो गया है। अभी क्या करते हैं कि इन सेट्स के अंदर में क्या होता है कि कंपनी ने एक ऐप डाला होता है APK इंस्टॉलर। ठीक है, APK इंस्टॉलर में क्या होता है कि वो जितने भी ऐप्स हमारे अनइंस्टॉल हो जाते हैं वो हमें यहाँ पर एक जगह में मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें TS7 APK लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये सारे ऐप्स हमारे इस वाले मेन्यू में हमारे मिल जाएंगे। हमें क्या करना है, वन बाय वन करके सारे ऐप्स को इंस्टॉल करना है। जैसे पहला ऐप्स दिया हुआ है एंड्रॉयड टेस्ट GPS टेस्टिंग का, यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम कैंसिल करेंगे यहाँ से, और ये हमारा डन हो गया। फिर नेक्स्ट ऐप दिया हुआ है, इसी तरह वन बाय वन करके सारे ऐप्स को हम इंस्टॉल करते रहेंगे। ठीक है, अब जो मैंने अभी पहला ऐप इंस्टॉल किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, एंड्रॉयड GPS वाला जो ऐप था वो मेरा यहाँ पे मेन्यू में दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं, जो भी यूज़र्स इस सेट इसे इंस्टॉलेशन जिस सेट गाड़ी के अंदर इसे अपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, आपको वाईफाई से कनेक्टिविटी करना है सिस्टम को वाईफाई से कनेक्टिविटी करना है। ठीक है, अपना हॉटस्पॉट देना, पर्सनल हॉटस्पॉट, और आपका ये जो एक इसमें एक ऐप दिया होता है, थीम का ऐप दिया होता है, हमें इसको इंस्टॉल कर इसको अपडेट करना होता है। अगर आप हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, आप रेगुलर आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम जो है स्लो वर्क करेगा, हैंगिंग प्रॉब्लम करेगा, और आपका सिस्टम जो है ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा, क्योंकि इस ऐप को हमें अपडेट रखना पड़ेगा, इस ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। और कैसे अपडेट करना है वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ देखिए, मैंने अपना वाईफाई से इसे कनेक्टिविटी कर दिया, पर्सनल हॉटस्पॉट दे दिया इसे। ठीक है, बैक करके बाहर आ जाऊँगा, मेन्यू पे टच करूँगा। अब मुझे ये थीम्स वाले ऐप पे क्लिक करना है और इसको अपडेट करना है। कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अपडेट फास्ट होता है, और आपका लेटेस्ट थीम का ऐप इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, और आपका सिस्टम को वो बहुत अच्छे से वर्क करके आपको करने में सपोर्ट करता है। क्योंकि ये थीम्स, हम सोचते हैं कि थीम्स चेंज हो रहे हैं इसके, लेकिन बट जो थीम्स के साथ ही इसके अंदर के ऐप सॉफ्टवेयर ऐसा डाला हुआ था कंपनी ने कि जो कि सिस्टम को आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सेटिंग पर टच करेंगे इसके,
सेटिंग्स में इसको हम ऑन करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे और फिर इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। इसको भी हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे और यहाँ पे इसको डन कर देंगे, या इसको हम अब ओपन कर सकते हैं, ओपन करेंगे सॉरी। अगेन थीम्स वाले ऐप पे मैंने टच किया, यहाँ पे फिर ऐसे थीम्स आएगा, उसको हम फिर अपडेट करेंगे इसको। ये हमारा TS7 में T3L और TQ5 इन सब सेट्स के अंदर ऐसे हमारा हम ऐप्स को इसको इंस्टॉल करेंगे, अपडेट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो सिस्टम्स के अंदर आगे जाके फ्यूचर्स में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसे कैंसिल करेंगे और फिर इसको ओपन करेंगे और ये हमारा स्टार्ट हो गया है। और ये हमारे यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ये हमारे यहाँ पे तीन थीम्स दिखा रहा है, ठीक है। और एक बाई डिफ़ॉल्ट एक हमारी थीम्स होती है कंपनी की, तो वो ऑलरेडी उसमें वाईफाई से कनेक्टिविटी करने में कुछ समय के बाद ऑलरेडी आ जाती है इसके अंदर। जैसे कि मेरे पास एक और है एंड्रॉयड, मैंने लगाया अभी, ये हमारा इसमें चिप जो चिप सेट आता है वो T3L में आता है, ठीक है। और इसके अंदर जो सेटिंग्स होती है फॉर्मेट करने की, जैसे सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाऊँगा, ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन आएगा कार सेटिंग का, कार सेटिंग पर क्लिक करूँगा। इसमें एक हमारी सेटिंग का ऑप्शन आता है रीसेट फैक्ट्री, रीसेट फैक्ट्री पर क्लिक करूँगा। इसमें पासवर्ड डालूंगा 789, जैसे कि जो मैंने पहले TS7 में डाला था, और वो हमारा फॉर्मेट हो जाएगा सिस्टम। बट मैं इसको फॉर्मेट नहीं करूंगा, इसका मैं आपको एक और सेटिंग बताऊंगा, नीचे दिया हुआ एक्स्ट्रा सेटिंग, ठीक है। ये होता है इंटरनल सेटिंग्स में एंटर करने के लिए। एक्स्ट्रा सेटिंग में हम पासवर्ड डालते हैं 123456, ठीक है, और इसको हम ओके करेंगे यहाँ से। ये हमारी इंटरनल सेटिंग्स दी होती है, रेजोल्यूशन स्क्रीन का चेंज कर सकते हैं, पैनल की लाइट दी होती है सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। पैनल लाइट सेटिंग दी हुई है, स्क्रीन रेजोल्यूशन दिया हुआ है, उसके बाद हमारा इसके अंदर में रेडियो एंटीना पावर्स दिया हुआ है, डिजेबल डोर इंफॉर्मेशन का दिया हुआ है, डोर को डिजेबल करना है, इनेबल करना है, ठीक है, जो कि हमारा डोर इंफॉर्मेशन दिखाता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे लेफ्ट राइट पोर्ट्रेट पेप्टाइड हो जाता है कि ऐसे स्क्रीन हमारी उल्टी सीधी हो जाती है कैमरा इंस्टॉलेशन करते समय, तो हम यहाँ से इसको सेटिंग चेंज कर सकते हैं। टच एरिया की, हमारा ये टच काम नहीं कर रहा होता है, साइड पैनल कंट्रोल्स काम नहीं करता, तो हम यहाँ पे आके इसको सेव कर सकते हैं। डोर इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी दिखाएगा आपका डोर इंफॉर्मेशन, वहाँ से वहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शंस में इनेबल और डिजेबल कर सकते हैं, और इस वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर इसको डोर इंफॉर्मेशन की सेटिंग कर सकते हैं अपना। उसके बाद यहाँ पे हमारा मॉडल चूज दिया हुआ है, मॉडल चूज पे हमारा कैनवस सिलेक्शन होता है, इसमें हम कैनवस सेलेक्ट करते हैं अपना। ये हमारा नया वीडियोज, इसके नया जो भी ये लेटेस्ट सेट जो मार्केट में चल रहे हैं, आप इस पासवर्ड्स को डाल के अपने सिस्टम की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ, इस वाले सेट में भी अगर हम फॉर्मेट करेंगे तो सारे ऐप अनइंस्टॉल हो जाएंगे। थीम्स वाले ऐप को आपको इसमें भी आपको इस वाले मॉडल में भी आपको अपडेट करके रखना पड़ेगा। और APK इंस्टॉलर में जाएंगे, इस वाले में APK इंस्टॉलर में आपका यहाँ पर T3APK लिखा होगा, क्योंकि इसमें T3L चिप सेट है। T3APK में टच करेंगे तो जितने भी ऐप्स आपके वहाँ से अनइंस्टॉल हो गया, वो सारे के सारे आप यहाँ से इसको वन बाय वन करके रीस्टॉल कर सकते हैं। और आपका वीडियो मेरा वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन्स को दबाना। बहुत बहुत शुक्रिया।